लखनऊ के सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगवाया कोवैक्सीन। बारी आने पर सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी और देश के वैज्ञानिकों के प्रति जताया आभार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन आर के तिवारी की अध्यक्षता में सचिव DPIIT भारत सरकार नई दिल्ली गुरु प्रसाद के साथ CPMG की 19वीं बैठक हुई संपन्न। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की हुई समीक्षा। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद के COVID-19 इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों से किया वार्ता। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, पंचायत चुनाव में आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की रहेगी विशेष नजर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहचान के बाद ही वोट दे पाएंगे मतदाता। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शराब के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापियों की बैठक। कहा, जनपद में कहीं भी नहीं बिकनी चाहिए जहरीली शराब। शिकायत मिली तो होगा दुकान का लाइसेंस रद्द। COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए SSP ने लोगों से की अपील। कहा, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और लगाएं मास्क, नहीं तो होगी कार्रवाई। जिला पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों का किया गया जांच। ADM फाइनेंस ने कहा, गंभीर त्रुटि होने पर ही रद्द होगा नामांकन। गोरखपुर में सोमवार को मिले 132 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 22,247। अब तक 368 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 637 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को किया गया ड्यूटी कार्ड का वितरण। ADM फाइनेंस ने कहा, कार्मिकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 14 अप्रैल को आवंटित ब्लॉक पर पहुंचकर करना होगा रिपोर्ट। जनपद में जिला अस्पताल सहित 108 केंद्रों पर किया गया COVID-19 का वैक्सीनेशन। CMO ने कहा, 1,70,000 नागरिकों का हो चुका है वैक्सीनेशन, नहीं हुई कोई दिक्कत। पंचायत चुनाव के मद्देनजर SSP ने किया थाना हरपुर, बुधहट, सहजनवा और गीडा का निरीक्षण। थाने की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, शांतिपूर्वक संपन्न कराए पंचायत चुनाव। सपाइयों ने मनाया महर्षि कश्यप एवं निषादराज गुहा की जयंती। दोनों महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई भारतीय जनता पार्टी महानगर के चुनाव संचालन समिति की बैठक। जिला पंचायत सदस्यों को विजयी बनाने की बनी रणनीति। खोराबार थाना की पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। बरामद के चोरी के सामान भेजा जेल। अपनी मांगों को लेकर 7 अप्रैल को गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन पर करेगा धरना प्रदर्शन। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर DK सिंह ने दी जानकारी। और भाई जी की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गीता वाटिका में आयोजित रामकथा के 5वें दिन कथा व्यास गोवत्स श्री राधा कृष्ण ने सीता और प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन का किया वर्णन। मंत्र मुग्ध हुए श्रोता।